प्लस एसी का देखिए पूरा मस्त सजाया गया है, पूरा आगे से लेकर पीछे तक। भैया महाराज मरीन ड्राइव देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप लोग भाई आप लोग दोस्त फिर से एक न्यू वीडियो साथ आ चुके हैं। आज का ट्रेन जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दानापुर से जोगबनी के लिए स्पेशल ट्रेन मिला है जो कि जिसका दानापुर जोगबनी स्पेशल इनोग्रा स्पेशल में जर्नी करने वाले हैं। तो मेरा नाम है पुनीत, आप लोग देख रहे हैं पुनीत के ब्लॉग, करते हैं वीडियो कंटिन्यू बिना देर के हुए। गाड़ी के बारे में बात किया जाए तो गाड़ी शाम को 5 बजे इनोग्रा स्पेशल निकलने वाली है। आज गाड़ी का 2 मार्च 2024 का आज शाम को हर जगह निकाल कर टीआरएम सर पूरा करने वाला है। गाड़ी कुछ ही समय में यहां से निकलने के लिए रेडी हो चुकी है। गाड़ी का समय के बारे में बात किया जाए तो गाड़ी का आज इनोग्रा स्पेशल होने वाला है। गाड़ी का आज शाम को 5 बजे हरी झंडी दिखाकर विदा किया जाएगा। गाड़ी यहां से निकलने के बाद पाटलिपुत्रा और हाजीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर होते हुए दरभंगा के रास्ते सकरी के होते हुए गाड़ी सुबह कल 4 बजे पहुँचेगी जोगबनी में। गाड़ी संख्या बात की जाए गाड़ी संख्या है 032320। चलते हैं पहले गाड़ी का दिखाते हैं कुछ गाड़ी कैसा है। गाड़ी ICA ब्रेक के साथ में जाने वाली है, वेब 7 के साथ में। गाड़ी को पूरे दुल्हन जैसा सजा दिया गया है, देख लीजिए। गाड़ी वेब 7 के साथ में टाटा नगर के लोकल शेड है और गाड़ी ICA ब्रेक के साथ में जाने वाली है। और देखिए गाड़ी को पूरा बैलून से लेकर पूरा फूलों से एकदम लग रहा है कि गुलाब के फूलों से लेकर और गेंदे का फूल होते हैं उससे पूरा सजा दिया गया है। लग रहा है एकदम दुल्हन जैसे एकदम चमचमा रही है पूरा। देखिए बहुत दिन से ये डिमांड चली आ रही थी कि दानापुर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए और ट्रेनें होनी चाहिए सीमांचल के लिए। तो उस कड़ी में रेलवे का एक प्रयास है कि दानापुर जगबनी एक्सप्रेस की डेली सेवा यहाँ से चालू की जा रही है। रेगुलर सर्विस 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। आज ये इनॉग्रल सर्विस है, उसी रूट से जाएगी जो जिस रूट से हमारी रेगुलर सर्विसेज जाने वाली है। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दानापुर से जोगबनी चलने वाली ये इनोग्रा स्पेशल ट्रेन जर्नी ये बहुत ही खास बनाता है पटना जिला और आरा जिला भोजपुर जिला के लोगों के लिए। दानापुर जोगबनी इनोग्रा स्पेशल के कोच के बारे में बात किया जाए तो इस गाड़ी में कुल लगा है 5 जनरल क्लास का कोच और 6 लगा है स्लीपर क्लास का कोच और 1 लगा है थर्ड क्लास AC और 1 लगा SLR जिसमें पार्सल रसोल जाता है। और ये गाड़ी वेब 7 के साथ में जाने वाली है। दानापुर का प्लेटफॉर्म संख्या 1A से समय है इसका आज का 5 बजे पूरे। और गाड़ी यहाँ से खुलने के बाद लगेगी एक ही बार पाटलिपुत्रा और सोनपुर नहीं लगेगी, एक ही बार हाजीपुर, हाजीपुर से एक ही बार मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर दरभंगा सलासेसी का। देखिए पूरा मस्त सजाया गया है पूरा आगे से लेकर पीछे तक। देखिए थर्ड क्लास से उसी है ये B1 और 6 से इसमें स्लीपर क्लास का है। पीछे गार्ड का केबिन लगा हुआ है और पीछे दानापुर जोगबनी स्पेशल 032320 5 बज गया है। देखते हैं कब यहाँ गाड़ी निकलती है यहाँ से एकदम हरी झंडी दिखा के मोदी जिसको विदा करते हैं। यह है दानापुर जोगबनी स्पेशल एक्सप्रेस। गाड़ी का कमर्शियल रहना है 5 से और गाड़ी का दानापुर से खुलने का टाइम है 6:10 पर। गाड़ी करीब आप लोग को शाम होत जोगबनी पहुँचा देगी। पूर जोगबनी इनोग्रा स्पेशल में आज गाड़ी का थर्ड क्लास AC में जर्नी करते हैं। चलते हैं पहले अंदर, अंदर चलते हैं पहले आप लोग को वॉशरूम दिखाते हैं, पहले सिंक दिखाते हैं। भाई मिरर तो एकदम गर्दा एकदम क्लीन है, पानी भी आ रहा है, मस्त पानी आ रहा है। और चलते हैं इसका टॉयलेट पर। यह है वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट, भाई एकदम नीट एंड क्लीन है पूरा। यहाँ पर ये भी अच्छा खासा साफ ही है और सॉप भी यहाँ पर है और पानी भी आ ही रहा है और यहाँ पर भी एकदम मस्त नीट एंड क्लीन है। आप लोग रिक्वेस्ट है फ्लैश एकदम प्रेस की जाएगी। देखिए यहाँ पर फैन भी लगा है थर्ड क्लास AC का वॉशरूम में। अब क्या चाहिए भैया, अब नहीं आ रहा है। इसको अंदर तरफ खोलते हैं। यह साइड लोअर साइड अपर 3x3 का रहता है और भाई देखिए क्या मस्त एकदम मिरर क्लीन है पूरा क्लीन। अभी गाड़ी यहाँ से निकली नहीं है, 5 बज गया है और यहाँ पर पानी पूरा एकदम पैसेंजर जो बैठे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत लोग यात्री यहाँ पर ऐसे हैं कि जो यात्रा कर रहे हैं इस गाड़ी में, तो हम भी इसी गाड़ी में थर्ड क्लास AC में जर्नी करते हैं और पूरा अपना मज़ा लेंगे जर्नी का, कैसे जर्नी का एक्सपीरियंस रहता है इनोग्रा स्पेशल में। अरे पूरा देखिए पूरा मस्त एकदम
गाड़ी एकदम सोरी सोरी निकल रही है और देखिए क्या मस्त दुल्हन जैसी लग रही है भाई साहब। शाम के टाइम है, 5:40 हो रहा है, गाड़ी 40 मिनट डिले के साथ निकली है। आज इनोग्रा स्पेशल है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और देखिए लाइटिंग देखिए और फूलों का डेकोरेशन देखिए। शाम का टाइम है और सनसेट भी बहुत अच्छा हो रहा है और बादल भी छाया हुआ है और धीरे धीरे गाड़ी निकल रही है। और लोगों का जो देख रहे हैं जिसका कैमरा ऑन ही है, गाड़ी हमारी निकल रही है, देख लीजिए यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से मोदी जी हरी झंडी दिखा दिए और गाड़ी हमारी शोर से निकल रही है। और मोदी जी के देख लीजिए सामने, मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर है और यहाँ से हरी झंडी दिखाया गया आज DRM सर के तहत। और चलते हैं, करते हैं गाड़ी को विदा। बाय बाय दानापुर, मिलते हैं गाड़ी का इस पहला हॉल्ट। गाड़ी भैया महाराज पूरा कर्व के साथ जा रही है, देखिए एकदम पूरा फूलों से डेकोरेट किया है। बैलून जितना भी था इधर के दिया गया, बच्चे ने लूट लिया। हवा में बैलून रहता नहीं है, बहुत ही कम ही रहता है। और पूरा सोचते हैं बच्चे भी कि गाड़ी धीरे हुए तो लूटे। देखिए दिखा रहे हैं भैया अपने बच्चे को गोदी में लेकर अच्छे से पूरा। और ये है चल जाता गाड़ी पाटलिपुत्र एक लाइन। दानापुर से पाटलिपुत्र के बीच में अगर जाते हैं, अगर पाटलिपुत्र से दानापुर के बीच में जाते हैं तो आप लोगों इस रूट में इतना दूर में फ़ोन अपना कीमती सामान बचा कर रखना है। अगर गेट पर हैं तो इस रूट में बहुत ज़्यादा चोर चुक के घूमते हैं जो कि अपना सामान बचा कर रखना है, छीन के लिए भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप लोग ताकते रहिएगा, ये पूरा रूट हुआ है चोर वाला, समझिए कि फर्स्ट हॉल्ट के साथ में इनोग्रल स्पेशल और कमर्शियल में दोनों का गाड़ी का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है पाटलिपुत्र में। गाड़ी के देखिए भाई साहब फर्स्ट इनोग्रा स्पेशल है और गाड़ी आ चुकी है अपना फर्स्ट हॉल्ट पर। और गाड़ी का देखिए मार्केट तो पाटलिपुत्र से बन रहा है भाई साहब। भैया जी महाराज गाड़ी हमारी आ चुकी है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र के बारे में बात किया जाता है कि इसका स्टेशन कोड है PPT और इस कुल यहाँ पर फार्म है 2 और ये आता है ईस्टर्न रेलवे के दानापुर डिवीजन में। और यहाँ से बाद जो सोनपुर आता है तो सोनपुर डिवीजन में आता है। और यहाँ पर भाई साफ सुथरा कहिए मत, साफ सुथरा A1 कैटेगरी का है भाई साहब। हमको ये बहुत ज़्यादा साफ सुथरा लगा, एकदम पटना जैसा साफ सुथरा एकदम यही लगा सेकंड। और चलते हैं गाड़ी का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और गाड़ी का जो इनोग्रा स्पेशल रन भी स्टॉपेज दिया गया है और गाड़ी का कमर्शियल जब रन है उसमें भी स्टॉपेज दिया गया है। बहुत लोग जो कि टिकट नहीं लिए हैं और गाड़ी का स्पेशल रन चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं, टीटी से रहें चढ़ने नहीं देंगे किसी को। जब भी आप लोग यात्रा कीजिए अपना मूल टिकट लेकर यात्रा कीजिए। गाड़ी का 2 मिनट का हॉल्ट था लेकिन गाड़ी आज इनोग्रा स्पेशल आया तो थोड़ा देर रुकी, गाड़ी का आगे स्वागत वागत किया गया और गाड़ी 6:09 में निकल गई यहाँ से पाटलिपुत्रा से। गाड़ी एक ही बार यहाँ से अब सोनपुर नहीं रुकेगी, एक ही बार हाजीपुर रुकेगी, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर से और समस्तीपुर दरभंगा होते हुए सकरी होते हुए रास्ते जोगबनी कल सुबह में पहुँच जाएगी। करते हैं भैया महाराज पाटलिपुत्रा के बाय बाय, मिलते हैं आप लोग से एक ही बार हाजीपुर में। भैया महाराज मरीन ड्राइव देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम खूबसूरत। और ये गंगा जी, एकदम गंगा जी के किनारे मरीन ड्राइव बना हुआ है एकदम पूरा। और ये ब्रिज और देखिए नाव का मजा लेते हुए गंगा जी में। भैया जी महाराज गाड़ी हमारी अभी क्रॉस कर रही है इंडिया का सेकेंड रोड कम रेल ब्रिज ज़्यादा, गंगा नदी और कोसी नदी का ऊपर बना हुआ ये ब्रिज है जो कि सोनपुर और दीघा को कनेक्ट करता है। आज हमारी यात्रा हो रही है दानापुर से जोगबनी के बीच में इनोग्रा स्पेशल ट्रेन में जो कि ओवरनाइट की जर्नी होने वाली है। तो गाड़ी अपने पूरे जर्नी में 337 किलोमीटर की यात्रा करने वाली है पूरी और 14 हॉल्टों के साथ में। तो गाड़ी पूरा ओवरनाइट की होने वाली है और हम लोग इस गाड़ी का 3rd क्लास AC में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं B1 में। तो देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इनोग्रा स्पेशल में। जल्दी एक वंदे भारत आने वाली है सेफ्रॉन वाली, शायद न्यू जलपाईगुड़ी पटना हो सके, अभी कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। अभी गाड़ी सोनपुर को स्किप करने वाली है, चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं। भैया महाराज इस इनोग्रा स्पेशल गाड़ी का देखिए भाई
लग रहा है कि हाजीपुर में भाई मार्केट बनता है ना इस गाड़ी का। गाड़ी आई है हाजीपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर और पूरा हाजीपुर स्टेशन पैक है भाई। लग रहा है गाड़ी पूरा पैक हो जाएगी भैया जी। महाराज 032-20 दानापुर से जोगबनी तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन में आज इनॉग्रल स्पेशल था और ये गाड़ी पूरा आज हाजीपुर में आते ही पैक हो गई। तब गाड़ी समझिए कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए जाएगी और गाड़ी का आगे क्या हाल होने वाला है आज स्पेशल दिन में ही। इसका कमर्शियल रन बनता है आप लोगों के लिए, ज़रूर लेकर आएंगे। और इसका स्लीपर तो समझिए कि लगभग सब सीट फुल हो गया और एसी भी लगभग कुछ फुले हैं और इसका जनरल तो पूरा पैक होगा। आगे चलते दिखाते हैं आप लोगों को जनरल का हाल क्या है। गाड़ी हमारी हाजीपुर से निकल रही है सोरी सोरी प्लेटफॉर्म संख्या 4 से, करते हैं दानापुर जोगबनी स्पेशल ट्रेन जर्नी को हाजीपुर में ही। बाय बाय, मिलते हैं आप लोग से कोई न्यू वीडियो के साथ में, न्यू जर्नी के साथ में। तब तक बन रही है वीडियो के साथ में।